तो यहाँ पे भी बलून फुलाना कंप्लीट हो चुका था, पूरा डेकोरेशन हो चुका है, पूरा सजा। आप देख सकते हो प्याज सब कट्टे के लिए चल रहा है, इतना सारे प्याज दिख रहे हैं। बर्थडे गर्ल को काम करवाता है तो मेरा बर्थडे में भी हम अपने से काम करते हैं, तो अपना तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस पूरा बैलून सब दुनिया भर का फूला जा रहा है। और सच बता रहा पर्पल कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा प्रीटी, इतना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल, फिर आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आज बहुत अच्छी। तो गाइस देखो ये कितने ने सारे बैलून में, देखो यहाँ पे हमने और मोटाई ने मिल के हम लोग पूरा बैलून में। हम कहाँ गए? और तानिया हम चैलेंज किए थे पर जीता सीमा मामा। देखो नहीं तो हम लोग बहुत सारा बैलून फुला रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि 7 सितंबर को दीदी का बर्थडे आता है और हमेशा का जैसे आज के दिन में ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, गणेश चतुर्थी भी है। गणेश चतुर्थी ना, गणेश पूजा भी आज के दिन में है 7 तारीख को। कोई किसी किसी घर में पूजा हो जाती है नीचे कमेंट करके बताओ। और हम लोग फुलाने के लिए दीदी के घर से हम लोग मशीन लाए थे, ये रहा देखो और कैसे फूलता है। हटाओ ऐसे फूलता है और बर्थडे में बहुत लोग आ रहा है तो उसका सब से उससे मिलाएंगे। पर जो अभी जो जितना भी डेकोरेशन हो रहा है, क्या क्या मन रहा है क्या क्या नहीं मन रहा है, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग मतलब नेक्स्ट ब्लॉग यही ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। अब बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम लोग का पता है गाइस जब हम लोग जब मार्केट जब गए थे शॉपिंग करने के लिए उसका भी वो लोग नहीं मना पाए और हम लोग किस तरह क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे उसका भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग पे जुड़े रहो और इसे लाइक करते रहो। अपने तरफ से करिए ना सर, कि कर सकते अपना तरफ से भी। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस पूरा बैलून सब दुनिया भर का फूला जा रहा है और सच बता रहा पर्पल कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा प्रीटी, इतना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। देखो वाव सो नाइस। ये रहा मोटाई, जो आपको नाम बता रहे थे मोटाई ये है, ये रहा मिलकर बना रहे थे। यहाँ पर देख सकते हो प्याज सब कट्टे के लिए चल रहा है, यहाँ इतना सारे प्याज दिख रहे हैं। बर्थडे गर्ल को काम करवाता है तो मेरा बर्थडे में भी हम अपने से काम करते हैं, तो अपना काम अपना खाम खुद से कर लेना चाहिए। पार्टी देदार हम लोग से कुत्ते की तरह काटवाता है। ओ चल झूठी नहीं तो तू जा ना, तू भूल तो जाओ ना। हो गया खत्म हो गया। हाँ तो खत्म हो गया लास्ट। हाँ लास्ट पकड़ बचा है तुरंत जो जैसे जैसे बांधे रस्सी से टांगो उस समय। तो चलो गाइस हम डेकोरेशन करते हैं और आपको पूरा सीन दिखाते हैं। और इधर भी सब दिया हुआ है पूरा, मतलब ऊपर पर देगा, मतलब दिया नहीं है अब तक कम्प्लीट हुआ नहीं होगा। तुम स्टार्ट करो। कहाँ गई? क्या हुआ हम स्टार्ट कर दे तो कुछ नहीं दिखाएंगे यार। तो गाइस यहाँ पर हम बैलून कर रहे थे तो देख सकते हो पीछे कौन आया है, जस्ट रानी आई है। बहुत पसीना पसीना हो गया, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत बाहर गर्मी है। अब जल्दी जल्दी जो ट्रेन तो पूरी स्पीड में आया होगा। बाप रे लग रहा है ना, देखो ना बैलून का पूरा पहाड़ बन गया यहाँ पे, टकरा जाएगा। तुम लोग को 11:30 बजे पहुंचा, सोचो बल्कि 12 बजे पहुंचाने के रहता पर 11:30 बजे पहुंचा। हम एक बार सोए उठ के देखे डायरेक्ट स्टेशन में। तो गाइस हम कल दिखा रहे आसमान में, कल हम कल आ गए थे इसको आपको के पास छोड़ के, कल ही मतलब हम अकेले आए थे पहले। दीदी चल गए थे डेकोरेशन पूरा सामान वगैरह खरीद के लाए, उसके बाद ये आज अकेले आई। हामिद ही उसको बोले अगर एक साथ चल जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए तुम रहो, तुम कल अकेला आ जाना। तो अकेला आई देखो तो चलो गाइस हमारे ब्लॉग में से जुड़े रहो, लाइक से करते रहो। और आज का हम लोग का न्यू दे लुक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, उधर दिखाओ दूर से इतने से इधर सामने से पकड़ने नहीं जानते, जैसे पकड़ता है वो हल बता है नहीं। और क्या बोलते हैं, आज का हम लोग का न्यू लुक और न्यू कॉम्बिनेशन देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी दबा के रखिए ताकि हम लोग का वीडियो जैसे है वैसे आप लोग को मिल जाए। तो चलो आप लोग बने रहिए, तो लोग घर का काम थोड़ा मदद करते हैं। और दो तीन कितना 5-6 दिन के बाद हम यहाँ आए थे, फिर पहले आए तब। तो गाइस सच बताऊँ धनबाद से ज़्यादा तो यहाँ पे मेरे को गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी तो वहाँ भी नहीं था, पसीने से हालत ख़राब हो जा रहा है। और अभी हम लोग का बलून मतलब पूरा रस्सी में बांध के यहाँ पे गोल टाइप में लगाया, देखिए कितना सुंदर था। डेकोरेट हमेशा सिमल जी करते हैं घर पे, हम लोग कोई डेकोरेट आर्टिस्ट नहीं बुलाते हैं क्योंकि डिसाइडेड होता है माइंड कि घर में ही कहीं मिल के करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अभी ये फर्स्ट बड़ा वाला है ना, सबसे बड़ा वाला ना, सबसे छोटा वाला ये एक लाइन है, फिर अभी यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेट होगा क्योंकि इतना बलून अभी बाकी है, पैकेट में भी बलून है, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ो बाबू।
है किचन में, यहाँ पे देख सकते हैं बेचारी आज दीदी का बर्थडे और दीदी खाना बना रही है। यहाँ पे इतना सारा छोला, यहाँ पे खीर, और उसके बाद बनेगा चना दाल ना दीदी। चना दाल बन जाएगा, फिर हम लोग का रहा राइस, जीरा राइस, और फिर क्या बनेगा, हो गया पूरी मम्मी लोग बनाएंगे, माँ लोग बनाएंगे, फिर दीदी रेडी होगी। और न्यू लुक देखिएगा आज का दीदी का, ठीक है। और मेरा दीदी को हैप्पी बर्थडे जरूर विश कीजिएगा सबके साथ। हैप्पी बर्थडे ब्यूटी, हैप्पी बर्थडे। रस्सी काट के दो तू। चलो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग भी बने रहिए, हम थोड़ा हेल्प करते हैं सीमा जी और दीदी का मिलकर। तो यहाँ पे भी बलून फुलाना कंप्लीट हो चुका था, पूरा डेकोरेशन हो चुका है, पूरा सजा दिया गया है। क्या नाश्ता चला देंगे? तो गाइस अभी यहाँ पे बलून का डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट, और पूरा लुक दिख रहा है ऐसे, वाव। तुमको तो पार्टी का ही काम लेना चाहिए डेकोरेशन करने का। ऐसे ऐसे नहीं लगाएगा, लगाएंगे तो फुला रहे थे बाकी बलून सब। तो चलो यहाँ पे अभी और यहाँ पे डेकोरेशन होगा तो लाइन लाइन से लगा देंगे। पूरा रूम कम्प्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो जाए गाइस। कितना कम से कम 12 बजे से खुला रहे, 1-2-3 घंटा हो गया। हाँ, और सुबह से कुछ खाया पी नहीं, ऐसे ही नाश्ता नहीं किया कुछ नहीं। हमारा मोटा यहाँ पे मशीन में खुला रहा है ना, ये मोटा हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा। अच्छा पहले हाँ, तो चलो क्या हो नाश्ता लेना है। हाँ तो गाइस यहाँ बेलू में काम सब चल रहा है, यहाँ देख सकते हो कितना सारा, मतलब अभी एक अभी गोल्डन का सब है ना, गोल्डन सब यहाँ लगेगा, बाकी यहाँ का जितना भी था यहाँ का टोटल हो गया, देख सकते हो कितना खूबसूरत। और हम तो पूरा पसीना पूरा हालत खराब, और हम लोग का बाहर में भी हुआ है, बाहर का देखो गया बो रहा, हम जैसे छोटे मोटे गरीब का देखो गाइस। आई है हवाए ते के पिया जी का। तो मम्मी काम करते करते थक नहीं रहे हो? थक जाएंगे तो क्या करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा, घर का काम नहीं। तो मेरा मम्मी पूरा थक गया, अरे हम लोग हालत तो चुड़ैल से कम नहीं दिख रहा, चुड़ैल से कम नहीं दिख रहा सच में। क्या खाना बना रहे हो? खाने का दिल कर रहा बहुत कसे, क्योंकि पूरा हालत सब बहुत गंदा हो गया, हम लोग का हेयर भी नहीं कटाया पता मेरे, और मेरा हेयर भी इतने बड़े बड़े हो गया है। क्या करेगा इस बताओ, फोन निकाल दीजिए ना, निकाल।